लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार तगड़े एक्शन में है। अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर गरज रहे हैं, तो वहीं अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया जा रहा है। सुनार को गोली मारकर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के थाना नंद ग्राम क्षेत्र में सुनार को गोली मारकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 7 बदमाश प्रशांत, पवन भाटी और लाखन को नंदग्राम पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाश एक और लूट को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर नंदग्राम क्षेत्र में हिंडन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस को 2 मोटरसाइकिलों से 4 बदमाश नंदी पार्क की तरफ आते हुए दिखाई दिए। जैसे हिंडन मेट्रो स्टेशन की ओर आते दिखे, पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार बदमाश नहीं रुके और तेजी से नंदी पार्क की ओर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस द्वारा पीछा कर घेराबंदी की गई, तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया। बदमाशों द्वारा लगातार फायरिंग करने के कारण आत्मरक्षी और पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिनमें से 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। पुलिस द्वारा साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को फायरिंग का और मौका न देते हुए मौके पर ही 3 बदमाशों को नंदी पार्क के पास गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश मोटरसाइकिल से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। 11 मई को दीपक वर्मा सुनार को गोली मारकर हुई लूट के चांदी के आभूषण व अभियुक्तों के हिस्से में आए पैसों में से 15,500 रुपये और चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार खबरों पर बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज़।